हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल कुक विद कॉर्डी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे हरी मिर्च फ्राई। हरी मिर्ची है जो वो खाने में कच्ची भी बहुत टेस्टी लगती है, और आप उसको अगर ऐसे फ्राई करके खाएंगे तो दो चपाती की बजाय आप चार चपाती इसके साथ खा जाएंगे। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरी मिर्ची फ्राई बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हरी मिर्ची। ये मैंने जो मोटी वाली हरी मिर्च ली है, बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलती तो इसकी जगह पे आप जो नॉर्मल मिर्ची हरी आती है वो भी ले सकते हैं। बस थोड़ी सी मोटे वाली हरी मिर्च हमने लेनी है। तो इनको मैंने धोकर साफ़ कर लिया और अच्छी तरह से सुखा लिया। पानी इनके ऊपर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम इसको बीच में से ऐसे स्लिट कर लेंगे, इसको बीच में से ऐसे काट लेंगे, चीरा लगा लेना है हमने इनमें। इसी तरह से जितनी भी बाकी हरी मिर्ची है उन सबको भी हम बीच में से ऐसे काट लेंगे। और ये देखिए, मैंने सारी मिर्चों को ऐसे बीच में चीरा लगा ली है और इनकी डंडियाँ जो वो उतार दी है। और क्योंकि ये वाली जो मोटे वाली हरी मिर्ची है ना, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, तो मैंने इसके बीज भी नहीं निकाले। अगर आपकी हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी है तो आप उसके चाहें तो बीज थोड़े निकाल भी सकते हैं। कढ़ाई मैंने ले ली है और उसमें एक बड़ा चम्मच हमने डाला कुकिंग ऑयल। गैस का फ्लेम है हमने लो रखना है। पूरे प्रोसेस के जब हम ये बनाएंगे हरी मिर्चें तो इसमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। जैसे ही तेल गर्म हो जाता हम इसमें सारी मिर्चें डाल देंगे और इसी के साथ डालेंगे मसाला। एक चम्मच मैंने इसमें डाला भुना हुआ जीरा, जिसको हल्का सा दरदरा पीस लिया था। आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, और ये मैं आधा छोटा चम्मच ही इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला जो हम सब्जियों में डालते हैं। आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर इसको बहुत ही खट्टा मीठा सा टेस्ट देगा। और आधा छोटा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है चाट मसाला। और एक चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी, हल्दी इसमें कम डलेगी। और नमक हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार। और दो चुटकियाँ हमने इसमें हींग डाल ली है, और ये मैंने थोड़ी सी इसमें डाली है लाल पीसी हुई जो मिर्ची आती है वो, तो थोड़ी सी हम इसमें लाल पीसी हुई मिर्ची डालेंगे। और इसको सबको मसालों को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। इसमें हमें ये जो ऑयल देखिए कम लग रहा है क्योंकि सूखे हुए मसाले हैं, और अगर ऑयल इसमें कम होगा, तेल कम होगा, तो मसालों के जो जलने का एक चम्मच के करीब है जो इसमें मैंने तेल और डाल दिया है। अभी हम दोबारा इन हरी मिर्चों को जो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इनको बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इंस्टेंट ये तैयार हो जाती हैं। और हमने ध्यान रखना है इनको गलाना नहीं है, बस हल्का सा हमने इसको पका लेना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो है अब इनका हल्का सा कलर भी पहले से चेंज हो गया है, और इन पर ना हल्की सी लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे ये थोड़ी सी भी पकती है ना तो इन पे ये देखिए एक वाइट सी लेयर आ जाती है। बस हमने इनको इतनी देर ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना। ये देखिए इन पे एक लेयर सी आ चुकी है। तो ये जो हमारा इंस्टेंट हरी मिर्ची फ्राई है ये बनकर बिल्कुल रेडी है। और इसको आप देखिए चाहे तो चपाती के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, और परांठों के साथ, पूरियों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जैसे हम अचार खाते हैं ना, ये इंस्टेंट हमारी वैसी हरी मिर्च फ्राई है। तो ये देखिए बनकर बिल्कुल रेडी है, और गैस का फ्लेम अभी हम बंद कर देंगे। और अब इसको लास्ट में बहुत ही टैंगी सा, क्योंकि पहले ही हमने इसमें आमचूर पाउडर भी डाला है और चाट मसाला डाला है, तो चटपटी तो ये बनी चुकी है। थोड़ा सा इसको चटपटा और बनाते हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब है जो नींबू का रस। आधा नींबू मैंने ले लिया है, और उसका इसमें रस डालने के बाद हम इसको ऐसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये लीजिए इंस्टेंट आपकी हरी मिर्ची फ्राई है जो बनकर बिल्कुल रेडी है। कीजिए आप भी इंजॉय। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी। तो अभी हम ये हमारी हरी मिर्ची है जो फ्राई, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया, और देखने में ये जितनी डिलीशियस लग रही है खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो आप ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।